निवाड़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, मेरे केंद्रीय मंत्री रहते हुए बुंदेलखंड को 8,000 करोड़ का पैकेज मिला, लेकिन बीजेपी ने उसमें घोटाला किया। वहीं शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, उनके लिए मुंबई का रास्ता खुला है। बुंदेलखंड आके मुझे एक बात का बहुत दुख होता है, मैं केंद्र में मंत्री था और कांग्रेस की सरकार थी, हमने 8,000 करोड़ रुपए का बुंदेलखंड पैकेज बनाया। 8,000 करोड़ रुपए यहाँ भेजे, ये बुंदेलखंड पैकेज को नहीं रहा, ये बुंदेलखंड घोटाला बन गया। मैं तो पूछता हूँ, 8,000 करोड़ में से आप में से किसी को एक कौड़ी भर का फायदा हुआ? ये आज आपके सामने है।